हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मु प्रभाकर, आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज 19 मार्च 2021, चलंतु जानि नबा आज दिनर सबो किछि गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट। आज बड़ खबर जानिबे, ओडिशार छात्र छात्री को मिलिब 30,000 टंका। ता सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ घोषणा लागिला नाइट कर्फ्यू, सेथिपई आपनकु अनुरोध वीडियो टी शेष जाए निश्चय देखिबे। वीडियो को लाइक करिबे, तले थिबा लाल कलर बटन टी को टच करी सब्सक्राइब करी, पाखरे बेल बटन टी को टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहाँ द्वारा देश विदेश आरंभ करी ओडिशा रो समस्त टॉप न्यूज अपडेट जानी पारिबे। परवर्ती खबर, ओडिशा रे धान किणा नै आज विधानसभा रे विवृति रखिबे जोगाण मंत्री। सूचना अनुसार सरिला सर्वदलीय बैठक, तेबे बैठक परे गृह कार्य पाई बाट फिटिछि। धान किणा नै आज सरकारक आभिमुख्य स्पष्ट हबो। आज धान किणा नै जोगाण मंत्री गृहरे विवृति रखिबे बोली जणा पडिछि। परवर्ती खबर, वर्षे भितरे सारा देशरु समाप्त हबो टोल प्लाजा। सूचना अनुसार देशर रास्तारु एणिकि टोल प्लाजा समाप्त करा जीव। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा रे अपडेट देइछंती। से कहिछंती जे टोल कलेक्शन पई नुआ जीपीएस सिस्टम आरंभ करा जीव, एहा परे काहा को भी टोल पई अटकबा को पड़िबनी बोली सूचना मिलीछि। परवर्ती खबर, जेईर मेन 2021 प्रश्नपत्र लीक होइछि। सूचना अनुसार एनटीए द्वारा होइथिबा जेईर मेन परीक्षार प्रश्नपत्र सेंटर रु बाहर को आसी छात्र छात्री माने दाबी करिसेंति जे 16 मार्च रो आरंभ होइथिबा ऑनलाइन परीक्षार अनेक प्रश्नपत्र सोशल मीडिया रे वायरल होउछि, जहां परीक्षा रे पढ़िथिबा प्रश्नपत्र सह समान थिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, रोजगार छड़ाई नेला कोरोना, 71 लाख ईपीएफ अकाउंट बंद हैला। सूचना अनुसार महामारी कोरोना जोगु लक्ष लक्ष लोक चाकरी हराई नाही नथिबार समस्यार सम्मुखीन होई पाखापाखि 71 लाख ईपीएफ अकाउंट बंद हो जाइथिबार केन्द्र सरकार सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, ऑनलाइन ठकेई पई बैंक दायी नुहे। सूचना अनुसार ऑनलाइन ठकंक प्रति सतर्क रहिबा लागि एटीएम पिन ओ क्रेडिट नंबर आदि शेयर न करबाकु भारतीय बैंक गुडिक सबुबेले ग्राहक मानकु चेतावनी देउछंती। चेतावनी स्वर्ते ग्राहक माने ए सबु मौलिक सुविधारु दूरै रहउछंती, फळरे सेमाने ऑनलाइन ठकामीर शिकार होउछंती। एथिपई बैंक दायी रहिबे नाही बोली गुजरात रे को खाउटी अदालत सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, जानि नियंतु ओडिशा राजी केते रहिछि सुना दाम। सूचना अनुसार ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 42,010 टंका थिबा बेले सेपटे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 45,830 टंका थिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर, विधानसभा चलिबा नै फिटिला रास्ता। सूचना अनुसार बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही विधानसभा भितरे सानिटाइजर पी आत्महत्या उद्यम करिबा घटना को केन्द्र करि चलिथिबा हाइड्रामार अंत घटिछि। विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागिबेनि, से प्रसंग मध्य गृहरे उठाजीव नाही। सर्वदलीय बैठक रे एने निष्पत्ति होइथिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर, समाधान हैला सीमा विवाद। सूचना अनुसार समाधान हैला कोरापुट संबाई रे आंध्र ओडिशा जमी विवाद प्रसंग। उभय गाँवर लोकमाने आलोचना करी एहार समाधानर बाट बाहर करिसेंती। कोरापुट जिला पट्टांगी ब्लॉक अंतर्गत संबाई पंचायतर जामुगुड़ा सीमांतरे रहिथिबा जमी विवाद उभय सीमांत ग्रामवासीक बुझाबणारे समाधान होइथिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर, पुणि पसिलाणी ओडिशा रे छनका, आउ 3 राज्यरु फेरुथिबा यात्रीक उपरे नजर रखिबाकु निर्देश दियागला। सूचना अनुसार दिनकु दिन देशर विभिन्न राज्यरे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउछि, जहाकु नै ओडिशा सरकार सजग रहुछन्ती। एपरि स्थले आउ 3 राज्य तथा कर्णाटक तमिलनाडु गुजरात रु आसुथिबा प्रवासी श्रमिक मानक उपरे नजर रखिबाकु राज्य सरकार निर्देश देइथिबार सूचना आसीछि।
परवर्ती खबर 5,616 कोटी बकाया देवाक केन्द्र को चिठी लिखिले ओडिशा मंत्री। सूचना अनुसार धान किणा बाबदे अग्रिम सब्सिडी अर्थ केन्द्र ठारु मिल नथिबारु राज्यर जोगाण निगम घोर आर्थिक संकटर सम्मुखीन होइछि। ए बाबदकु केन्द्र सरकार 5,616 कोटी टंका बकाया रखिछन्ति। एने जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई केन्द्र सरकार को चिठी लिखिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर पूर्वतट रेलपथ मध्य देइ जाउथिबा पुरी ठारु इंदर ओ हावड़ा कन्याकुमारी मध्यरे स्वतंत्र ट्रेन चलाचल कराजिबाकु रेलबाई पक्षरु निष्पत्ति निया जाइथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर जमि बिक्री खबर मिछ। सूचना अनुसार बिक्री होइनाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुक 35,000 एकर जमि प्रचारित तथ्य विभ्राटकारी मनगढ़ा ओ संपूर्ण मिथ्या अटे। महाप्रभुक जमि बिक्री नहीं होता नाना चर्चा को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन स्पष्टीकरण रखिथिबार जना पड़िछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 15 वर्षर पुराणा गाड़ी केते अछि जानि नियंतु। सूचना अनुसार ओडिशा रास्तारे 15 वर्ष अतिक्रम करथिबा गाड़ी केते अछि परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा अपडेट देइछन्ति। से कहिछन्ति जे राज्य रे 15 वर्ष अतिक्रम करथिबा मोट 672 बस 17,498 ट्रक अछि। सेहिभली 23,904 चारिचकिया जान चलाचल करुछि। सेथिमध्यरु 450 यात्रीवाही जान थिबा बेले 23,454 प्राइवेट गाड़ी चलाचल करुछि बोली सूचना आसीछि। परवर्ती खबर आसंता 24 घंटा रे ओडिशार 8 जिले रे होइपारे कालबैशाखी वर्षा। सूचना अनुसार ओडिशार विभिन्न जिले रे वर्षा हबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु अपडेट दिया जाइछि। एही जिला गुड़िक मध्यरे सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर संबलपुर अनुगुल मयूरभंज बौद्धरे वज्रपात सह कालबैशाखी वर्षार संभावना रहिथिबार सूचना मिलिछि। खबर श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्थार जांच करिछि एनएसजी टीम। कारण आगकु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदक श्रीमंदिर गस्त रहिथिबा बेले एनएसजी टीम सुरक्षा जांच करिछि। ड्रोन उड़ाई आकाशमार्गरु सुरक्षा जांच करिबा सह श्रीमंदिर चारिपट बुली स्थिति अनुध्यान करिथिबार सूचना आसीछि। परवर्ती खबर 10 देश बंद करिबा स्वर्ते आस्ट्राजेनिका कोरोना टीका को भारतर ग्रीन सिग्नल। सूचना अनुसार ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिका द्वारा प्रस्तुत कोरोना टीका उपरे सुरक्षा दृष्टिरु 10 राष्ट्र रोक लगाई तथापि भारत में यार डोज लोक मानू दि जाऊँगी। भारत सरकार एजाए यारी कौन रोक न लगार सूचना मिली। परवर्ती खबर केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बड़ अपडेट भारत आगामी दिन में आलुमिनियम एयार बैटेरी तैयार करे सूचना देती। परवर्ती खबर लोकसभा टीएमसी हाफ एथर पश्चिमबंग रु पूरा साफ हे कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूचना अनुसार पश्चिमबंग सहित 5 राज्य में विधानसभा निर्वाचन नहीं राजनैतिक सरगरम जारी रही। एपरिस्थले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगर पुरुलिया निर्वाचन रैली को संबोधित करिछंती। टीएमसी को कड़ा टार्गेट दे कहिछंती लोकसभा ममता दीदी टीम हाफ रही एथर पश्चिमबंगे पूरा साफ हो सूचना देती। परवर्ती खबर प्राथमिक स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र नवीकरण हम। सूचना अनुसार केन्द्रापड़ा जिलार केन्द्रापड़ा ब्लॉक और पौरांचल अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर नवीकरण जिलापाल निर्देश दे सूचना मिल। परवर्ती खबर ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा बाउ सहज हबनी आसिला नुआ नियम। सूचना अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं सरकार परिवर्तन करिछंती नियम। नुआ नियम अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करिबा पूर्वरु अप्लाई करिथिबा व्यक्तिंकर वीडियो ट्यूटोरियल देखा जिबो। ड्राइविंग टेस्टर एक मास पूर्वरु देखा जाउथिबा एही वीडियो ट्यूटोरियल रे सेफ ड्राइविंग संपर्कित सूचना दिया जिबो। एहा छड़ा आवेदनकारीकर दुर्घटना पीड़ित परिवार सहित आलोचना करा जिबो। एभली करिबा द्वारा रास्ता उपरे निजर ओ
ଅନ୍ୟର ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ସେତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଫଟୋ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ ବଢ଼ିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଅବିଧି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଣିକି ରାତି 11ଟା ନୁହେଁ, ରାତି 9ଟାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ନିବେଶକଙ୍କ କ୍ଷତି 5.55 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଫଳରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 5.55 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା ସ୍କାଏର ଦମଦାର ରିଚାର୍ଜ ଅଫର୍, ଏବେ ମିଳିବ 2 ମାସର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, TRP ସ୍କାମ୍, 3 TV ଚ୍ୟାନେଲର 32 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ED ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BJPରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ। ରମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡରାଉଛି କରୋନା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜିମ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ, ଗେମିଂ ଜୋନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନୋଇଡ଼ା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ 30 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2-2 2020 ସିରିଜ ବରାବର। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଦଳର ନଜର ରହିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ତୃତୀୟ T20 କି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ T20 କି ଭାରତ ଛଡ଼ାଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ ଘରୋଇ ଦଳ 185 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସର୍ବାଧିକ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 186 ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 177 ରନ୍ କରି ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ T20ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାପଟପ୍ ବଦଳରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 1.9% ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।